सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम को की ट्रेनिंग दे सकें आगे एसएमईज को, अपने स्टूडेंट्स को, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को जो बाद में इस नेटवर्क के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी आइडेंटिफाई किए 7 लोकेशंस के ऊपर। उनके भी नॉमिनीज को, उनके फैकल्टी मेंबर्स को जिनकी नॉमिनेशन हमें इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आई, उनको हमने ट्रेनिंग दी ताकि वो अपने लोकेशन के ऊपर इसकी ट्रेनिंग्स को एक्सटेंड कर सकें। इसके बाद हमने जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ACCA है, जो हमारे बैंक्स हैं, उनको हमने बीच में शामिल किया। हमने इसके अंदर जो हमारे जो गवर्नमेंट ने SME डेवलपमेंट के लिए, SMEs की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो फंड्स बनाए हैं, जिसमें एग्री डेवलपमेंट फंड और बिजनेस सपोर्ट फंड जो है, वो ये फंड शामिल हैं, इनको भी हमने ऑन बोर्ड किया ताकि इस सारे प्रोसेस को, इस सारी कैंपेन को आगे लेके जाया जा सके। और इसमें जो बहुत बड़ा रोल हम देख रहे हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ट्रेड बॉडीज का है, क्योंकि असल जो वॉइस ऑफ SMEs हैं वो ये लोग हैं। असल जो SME तक आउटरीच अगर किसी तरीके से मिल सकती है, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई जा सकती है, तो इनसे बेहतर प्लेटफॉर्म शायद अवेलेबल ना हो। और हमने अभी तक हम 4 लोकेशंस पंजाब में एड्रेस कर चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए, और उन तमाम लोकेशंस में हमारे जो फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स ने हमें फैसिलिटेट किया है, चैम्बर्स ने एक्नॉलेज किया है हमारी इन सर्विसेज को, हमारे इस प्रोग्राम को, और इन्हीं के थ्रू हम इस प्रोग्राम को इन्हीं के मेंबर्स और जो बाकी SMEs हैं वहाँ उन तक ले जाना चाहते हैं। अब अगर इसको हम ये आपको दिखा सकें कि ये प्रोग्राम SMEDA की सपोर्ट के साथ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम को लेके अपनी एज देयर ओन बिजनेस एक्टिविटीज को लेके आगे चलेंगे। ये सॉफ्टवेयर SMEs को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, लेकिन ट्रेनिंग सर्विसेज देने वाले और अकाउंटिंग सर्विसेज देने वाले जो अपने इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस हैं वो SMEs से लेंगे। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस हैं उसके लिए हम जो अरेंजमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं बिजनेस सपोर्ट फंड के साथ कि वो जो उनके उनकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू इनको एड्रेस करवाया जा सके, और वो जो उसकी भी रीइंबर्समेंट का जो प्रोसेस, वो जो कॉस्ट SME अपनी सिस्टम डेवलपमेंट में इनकर करेगा वो भी उनको रीइंबर्स हो सके। तो हमारे ख्याल में जो ये तरीक़ेकार इस तरह से इस चीज़ को लेके चलना ज़्यादा फिजिबल है, बजाय इसके कि SMEs को बजाते खुद अकाउंटिंग इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग पढ़ाई जाए, फिर उन्हें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सिखाया जाए, फिर उन्हें बेसिक लिटरेसी उनके पास नहीं है उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जो वे आउट निकाला गया है वो ये है कि SMEs को ऐसे लोगों के साथ लिंकअप कर दिया जाए जिनका काम SMEs को इस तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज देना, जिनका बिजनेस है, जो प्रोफेशनल्स हैं अपने इस काम में।